तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज मैं लीगल टर्मिनोलॉजी खत्म कराऊंगा, ये आज के दिन की दूसरी वीडियो है। अभी नाइट हो गई है, लगता है आप लोगों को कल सुबह तक ही मिल पाएगी। तो आज हम बात करने वाले थे बाकी की बची हुई 9 लीगल टर्म्स की, जो कि हमारे क्या कहते हैं इस मीडिया लॉज एंड एथिक्स के अंदर जनरली काम आती है। मतलब आप अगर आगे जाकर के कोई भी एक्ट पढ़ोगे, चाहे वो प्रेस फॉर्मेशन एक्ट हो या वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट हो, कुछ भी हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि एक्ट का मतलब होता क्या है, ऑर्डिनेंस मतलब होता क्या है। तो उसी तरीके से जो हमारी 18 टर्मिनोलॉजीज थी, लीगल टर्मिनोलॉजीज, 9 तो मैं खत्म करवा चुका हूँ, तो बाकी बची 9 के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, आप लोगों को शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन बता करके खत्म करता हूँ। थोड़ा बहुत अटक रहा हूँ, मतलब यार देख लिया 4 महीने हो गए आप लोगों के सामने आया होगा, मुझे इतना बोलने की भी आदत नहीं रही, तो आ जाएगी यार आप लोगों से बात करते रहते। खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्विटल, व्हाट इज एक्विटल? देखिए एक्विटल को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वो कहा जाता है, मान लीजिए जब किसी इंसान यानी जो अक्यूज था, मतलब जब कोई अक्यूज उसके चार्ज से फ्री कर दिया जाता है, मतलब उसको दोषी करार नहीं दिया जाता और उसको बाइज़त बरी कर दिया जाता है, तब वो कहलाता है एक्विटल। मान लीजिए किसी के ऊपर चार्ज लगा था चोरी का, लेकिन जब हमने कोर्ट के अंदर पूरी उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की और जब सारी सुनवाई के दौरान हमें ये पता लगा कि नहीं भाई इसने चोरी नहीं की थी, और हमने उसके ऊपर लगे हुए चार्ज जो कि किसी और इंसान ने लगाए थे उन सबको रद्द करते हुए उसे फ्री कर दिया, तो उसे हम कहते हैं एक्विटल। एक्विटल इज द पर्सन हु इज सेट फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस दैट आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, फिर आते हैं प्रोसिक्यूशन पे। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है वो पूरी की पूरी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज प्रोसिक्यूशन। वो जो पूरी प्रोसेस होती है ना, सुनवाई पर सुनवाई करना, इधर से ये बोलेगा वो होगा, डिबेट होगी पूरी, फिर फाइनल स्टेटमेंट सब अपनी सबमिट करेंगे, लास्ट सबमिशन होगा, फिर क्या कहते हैं ये जो पूरी प्रोसेस है इसके दौरान फिर कन्विक्शन होगा। तो जब हम इस पूरी प्रोसेस के थ्रू किसी सस्पेक्ट को या किसी अक्यूज्ड को गिल्टी करार करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। मैं फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ, प्रोसिक्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट बेल, इससे तो फेमिलियर हो गए यार। बेल का मतलब होता है कि जब आप किसी के लिए जमानत देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त चोरी के केस में अंदर है जो कि असल में मतलब उसने नहीं किया है, लेकिन अब आप क्या कहते हैं इतना लंबे टाइम तक उसे जेल में रखना नहीं चाहते, तो अब आपको उसे बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको बेल साइन करनी होगी। बेल का मतलब होता है कि आपको आप ये गारंटी ले रहे हो कि जिस दिन कोर्ट इस बंदे को बुलाएगा मैं इसको लेकर के कोर्ट के अंदर हाजिर हो जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ या ये बंदा कोर्ट तक नहीं पहुंचा तब उस केस में मैं कोर्ट को पैसे पे करूंगा, मतलब मैं उसकी क्या कहते हैं जमानत दूंगा कि हाँ भाई ये मैं आज इस बंदे के लिए साइन कर रहा हूँ कि अगर ये इस डेट को, अभी मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ, अगर ये इस डेट को जिस दिन कोर्ट ने बुलाया है ये कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं हुआ, देन आई विल पे सम ऑफ रुपीज फॉर इट, मे बी दैट कैन बी 20,000 और दैट कैन बी 20 लाख। तो ये होता है बेल। बेल का मतलब होता है वो अमाउंट जो आप मॉर्गेज करते हो कोर्ट के सामने कि भाई अगर ये बंदा नहीं आया तो मैं इतना आपको पे करूंगा। फिर आता है कन्विक्शन पे। कन्विक्शन का मतलब होता है कि किस तरीके से क्या कहते हैं जो लास्ट डे कहा नहीं जाता कि आज इस बंदे को सजा होने वाली है, तो वो जो सजा देने की प्रोसेस होती है ना उसे हम कहते हैं कन्विक्शन। नाउ द अक्यूज्ड इज बीइंग कन्विक्टेड, मतलब अब उसको सजा दी जा रही है। सजा देने की जो प्रोसेस होती है जो लास्ट में जो पेन पूरा लिख करके जज अपना पेन तोड़ता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं कन्विक्शन। द फाइनल डेट ऑन विच द फाइनल जजमेंट इज नोन एज कन्विक्शन। जो जज का फाइनल जजमेंट होता है किसी भी अक्यूज के लिए उसे हम कन्विक्शन कहते हैं। डिफेंडेंट, डिफेंडेंट इज द पर्सन हु इज अक्यूज। अक्यूज और डिफेंडेंट एक ही है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि भाई मैंने गलती नहीं की है या मैंने चोरी नहीं की या मैंने कुछ रेप नहीं किया, मर्डर नहीं किया जिसके लिए मैं चार्ज किया गया हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट। उसके बाद आते हैं एविडेंस पे। देखिए यार एविडेंस कोई भी ऐसी चीज है जिसे हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक कोई भी ऐसी चीज जिसे हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर किसी चीज को प्रूफ करने के लिए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे प्रूफ करना है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ सीसीटीवी फुटेज या कुछ प्रूफ कर रखूंगा, तो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ऐसा नहीं है रियल लाइफ में एविडेंस तो आप कुछ भी जनरेट करने लग जाओ, लेकिन एविडेंस का महत्व सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर होता है।
एविडेंस कोई भी वो चीज है जो आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश करते हैं किसी को सही या गलत साबित करने के लिए, या किसी की बात को सही या गलत साबित करने के लिए. एनीथिंग दैट यू सबमिट इन द कोर्ट व्हिच यू आर मेंट टू प्रूव समवन रॉन्ग, देन इट इज नोन एज एविडेंस. मेरी अंग्रेजी थोड़ी खराब है आपकी तरह, बट खैर एडजस्ट करो. फिर हम आते हैं प्लेंटिफ पे. प्लेंटिफ होगा. तो प्लेंटिफ क्या होता है भाई? प्लेंटिफ वो इंसान होता है जिसने केस फाइल किया है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में अगर चोरी हुई है और मुझे उस इंसान के ऊपर शक है और मैं अगर उसके ऊपर केस फाइल करता हूँ, देन आई विल बी द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ इज द पर्सन हु फाइल्स अ सूट अगेंस्ट समवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. प्लेंटिफ इज द पर्सन हु फाइंड्स लॉ सूट अगेंस्ट समवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है. फिर आते हैं प्राइमा फेस. बोरिंग से जा रहा है, चलो प्राइमा फेस के बारे में समझाता हूँ. जॉली एलएलबी देखी होगी आप लोगों ने. जॉली एलएलबी वन में जब सौरभ शुक्ला जो कि जज बने थे वो लास्ट जजमेंट दे रहे होते हैं, तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इस केस के प्राइमा फेस और एविडेंस से जैसा ये केस साबित हुआ हमारे सामने वैसा नहीं निकला. तो वो क्या कहना चाहते थे उस टाइम? सिर्फ पिक्चर में घुसे मत रहा करो, देखो, सोचो, समझो. तो प्राइमा फेस का मतलब होता है एक केस ऊपर से देखने में जैसा लग रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक केस को देख करके मुझे लग रहा होता है नहीं यार, ये बड़ा इनोसेंट सा है, ऐसा ऐसा है, मैंने सारी चीजें देख भी ली, इसके खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं मिल रहा, मेरे हिसाब से ये इनोसेंट है. लेकिन बाद में वो इंसान गलत भी निकल सकता है. तो प्राइमा फेस इज द ओवरऑल इज द फर्स्ट टाइम जजमेंट इन द माइंड दैट यू मेक एंड इट कैन बी प्रूव फॉल्स लेटर. मतलब ऐसा कुछ भी जो आप कंसेप्शन बना लेते हैं या परसेप्शन बना लेते हैं दिमाग के अंदर कि नहीं यार ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, केस को पहली बार देखने के बाद, और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में गलत भी प्रूफ हो जाए, उसे हम कहते हैं प्राइमा फेस. फिर एक नई टर्म हमारे सामने आई, सब जुडाइस. इसके लिए मैं सोच रहा था आपको कौन सा एग्जाम्पल दूं. यार इसका एग्जाम्पल भाईजान से अच्छा क्या मिलेगा? सलमान भाई के जो केस थे, चाहे वो जो हमारा काला हिरन था, वो जो बेचारा जानवर खा के मार गया जिसे, खैर भाई की क्या गलती हो सकती है. तो उस केस के अंदर जब सलमान खान आपकी अदालत में आए थे, तो उन्होंने उस केस के ऊपर बात करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था ये मामला कोर्ट के अंदर सब जुडाइस है. सब जुडाइस का मतलब ये होता है कि ये जो मामला है ये कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है, और कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया हुआ है आपके ऊपर कि आप इस मामले के बारे में पब्लिकली बात नहीं करेंगे. सब जुडाइस के अंदर संजय दत्त का वो AK-47 वाला मामला भी आता है. तो सब जुडाइस के अंदर वो मामले आते हैं जब कोर्ट आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है कि आप इन केसेस के बारे में बाहर बात नहीं करेंगे, उसे हम कहते हैं सब जुडाइस. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की नौ टर्म्स खत्म. लीगल टर्मिनोलॉजी खत्म. डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन.